हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज वीडियो रे हमें जेल वार्डर और पीओ पाई प्रैक्टिस सेट बा एहा को आपण गोटे मॉक टेस्ट मध्य भाबी परबे। ओके, तो एथिरे हमें जीके मैथ ओडिया ग्रामर आउ कंप्यूटर आदि रु किछि इंपोर्टेंट सिलेक्टिव क्वेश्चन गुड़ का डिस्कस करबा। ओके, एहा आपण मानक पाई बहुत इंपोर्टेंट रहिछि, एहा को निहाती भाबरे स्टार्ट रु एंड पर्यंत देखंथु। ओके, आउ चैनल को नुआ आसीथिले एबे ही सब्सक्राइब कर दियंतु और वीडियो टी को पॉज करि निजे सब क्वेश्चन रो आंसर गुड़िक देबा पई ट्राई करंतु। ओके, आउ टोटल रु केते स्कोर कले ताहा निश्चय कमेंट बॉक्स रे कमेंट माध्यम रे जणंतु। ओके, तो चलंतु स्टार्ट करबा। द फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम लाइपेज इज सिक्रेटेड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। तबे फैट डाइजेस्ट एंजाइम माने पुष्टिसार को डाइजेस्ट करुवा एंजाइम टी क्योंठार सिक्रेट होता है क्षरित होता है। ऑप्शन ए देखी किडनी, ऑप्शन बी देखी पानक्रियाज, ऑप्शन सी देखी लार्ज इंटेस्टाइन, ऑप्शन डी देखी लिवर। तपूर्व मन रखत तेज फैट डाइजेस्ट एंजाइम हो लाइपेज आउ यही लाइपेज सिक्रेट होता है पानक्रियाज माने अग्नाशय। तबे लाइपेज पानक्रियाज रु सिक्रेट होता है एवं यही लाइपेज हूँ गोटे फैट डाइजेस्ट एंजाइम माने पुष्टिसार को डाइजेस्ट कर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिहाइड्रेशन इन ह्यूमन बॉडी इज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ। तबे ह्यूमन बॉडी रो डिहाइड्रेशन माने निर्जलीकरण तो कहा कौन पाई हो कहा अभाव रे होता है। ऑप्शन ए देखी विटामिन, ऑप्शन बी देखी सॉल्ट, ऑप्शन सी देखी हार्मोन, ऑप्शन डी देखी वाटर। तो यठार करेक्ट आंसर टी हो वाटर। तबे जलर अभाव जो डिहाइड्रेशन होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट प्रोवाइड एनी एनर्जी। तो निम्नलिखित मध्य क्योंटी आमको कौन सी प्रकार एनर्जी बा शक्ति दे न थाए। ऑप्शन ए देखी फैट, ऑप्शन बी देखी प्रोटीन, ऑप्शन सी देखी विटामिन, ऑप्शन डी देखी कार्बोहाइड्रेट। तो यठार करेक्ट आंसर टी हो विटामिन। तबे विटामिन रु आमे कौन सी प्रकार एनर्जी पाई न थाउ किंतु फैट प्रोटीन आउ कार्बोहाइड्रेट रु आमे एनर्जी पाई थाउ। तबे फैट रु एक ग्राम प्रति 9.3 केसीएल एनर्जी मिली थाए। तो फैट रु 9.3 केसीएल एनर्जी मिली थाए आउ प्रोटीन रु मिली थाए 1 ग्राम प्रति 5.6 केसीएल। तो प्रोटीन रु मिली थाए 1 ग्राम प्रति 5.6 केसीएल एनर्जी आउ कार्बोहाइड्रेट रु मिली थाए 1 ग्राम प्रति 4.2 केसीएल एनर्जी। ओके, फैट रु मिली थाए 1 ग्राम प्रति 9.3 केसीएल, प्रोटीन रु मिली थाए 1 ग्राम प्रति 5.6 केसीएल एनर्जी एवं कार्बोहाइड्रेट रु मिली थाए 1 ग्राम प्रति 4.2 केसीएल एनर्जी किंतु विटामिन रु कौनसी प्रकार एनर्जी हमको मिली न थाए। ओके, तेणु एठार करेक्ट आंसर टी हो विटामिन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच कार्बोहाइड्रेट्स इज यूज्ड इन सिल्वरिंग ऑफ मिरर। तबे मिरर रा सिल्वरिंग करिवारे क्यों कार्बोहाइड्रेट टी यूज करा जाय थाय। अठारे ऑप्शन 1 ए देछि फ्रुक्टोज, ऑप्शन बी देछि सुक्रोज, ऑप्शन सी देछि ग्लूकोज, ऑप्शन डी देछि स्टार्च। तो एहा जे गोटे गोटे श्वेत सार। तबे दर्पण रो बा मिरर रा सिल्वरिंग पई क्यों श्वेत सार टी यूज होता है। तो यठार करेक्ट आंसर टी हो ग्लूकोज। तबे मिरर रा सिल्वरिंग रे ग्लूकोज यूज होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग लेइंग इन मामल्स। तबे निम्नलिखित मध्य क्योंटी गोटे एग लेइंग मामल्स अटे। तो यठार ऑप्शन ए देछि बैट,
ऑप्शन बी देछि लीफी एंड ईटर, ऑप्शन सी देछि व्हेल, ऑप्शन डी देछि स्पाइनी एंड ईटर। तबे मन रखंतु टोटल पांच प्रकार मामल्स रहिछि, तो से दुई प्रकार मामल्स अंडा दे थांती, तो से माने होचंती गोटे होछि स्पाइनी एंड ईटर आउ गोटे होछि डॉग बिल्ड। तबे दुईटी प्रकार मामल्स अंडा दे थांती, तो गोटे होला स्पाइनी एंड ईटर आउ गोटे होछि डॉग बिल्ड। तो एठारे करेक्ट आंसर टी हो जिवो स्पाइनी एंड ईटर। तो स्पाइनी एंड ईटर होछि गोटे एग लिंग मामल्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैपन फर्स्ट। तबे निम्नलिखित मध्यरु क्यों घटनाटी प्रथमे होइथिला, तबे एठारे ऑप्शन ए रे देछि मिंटो मर्ले रिफॉर्म्स। तबे ही मिर्लो मोंटे रिफॉर्म्स टी होइथिला 1909 रे, तापरे सूरत स्प्लिट, ए सूरत स्प्लिट टी होइथिला 1907 रे, आउ दिल्ली दरबार, ए दिल्ली दरबार टी होइथिला 1911 रे, आउ मुस्लिम लीग रिफॉर्म्स एहा होइथिला 1906 रे। तो मिंटो मर्ले रिफॉर्म्स टी होइथिला 1909 रे, सूरत स्प्लिट टी होइथिला 1907 रे, दिल्ली दरबार टी होइथिला 1911 रे, आउ मुस्लिम लीग रिफॉर्म्स होइथिला 1906 रे। तो एठारे सबुठारु प्रथमे होइथिला मुस्लिम लीग रिफॉर्म्स जहाँकि 1906 रे, तेणु एठारे करेक्ट आंसर टी होजिबो ऑप्शन डी मुस्लिम लीग रिफॉर्म्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु फाउंडेड द रामकृष्ण मिशन। तेबे रामकृष्ण मिशन र फाउंडर किए, एठारे ऑप्शन ए रे देछि स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी देछि राजा राममोहन राय, ऑप्शन सी देछि रामकृष्ण परमहंस, ऑप्शन डी देछि स्वामी दयानंद सरस्वती। तो एठारे करेक्ट आंसर टी होजिबो स्वामी विवेकानंद। तेबे स्वामी विवेकानंद होइछंती रामकृष्ण मिशन र फाउंडर, तेबे से एहाकु केबे फाउंड करिथिले, त मन रखंतु स्वामी विवेकानंद 1897 रे रामकृष्ण मिशन फाउंड करिथिले। ओके, और राजा राममोहन राय, त राजा राममोहन राय होछंती ब्राह्म समाज रो फाउंडर। ओके, ब्राह्म समाज रो फाउंडर होछंती राजा राममोहन राय, और स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती होछंती आर्य समाज रो फाउंडर। ओके, आर्य समाज रो फाउंडर होछंती स्वामी दयानंद सरस्वती, आउ राजा राममोहन राय होछंती ब्राह्म समाज रो प्रतिष्ठाता, आउ स्वामी विवेकानंद होछंती रामकृष्ण मिशन रो फाउंडर। तेणु एठारे करेक्ट आंसर टी होजबो ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन द बर्थडे ऑफ व्हिच पर्सन नेशनल देश प्रेम दिवस इज सेलिब्रेटेड। तेबे कहार जन्मदिवस को नेशनल देश प्रेम दिवस भाबरे पालन करा जाए, ऑप्शन ए देछि जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी देछि स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी देछि सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी देछि नॉन ऑफ दिस। तो एठारे करेक्ट आंसर टी होजबो सुभाष चंद्र बोस। तेबे सुभाष चंद्र बोस को बर्थडे को देश प्रेम दिवस भाबरे पालन करा जाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ द नेशन। तेबे फादर ऑफ नेशन बा जातिर पिता कहा को कहा जाए, ऑप्शन ए देछि महात्मा गांधी, ऑप्शन बी देछि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी देछि जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी देछि सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो एठारे करेक्ट आंसर टी होजबो ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी। तेबे महात्मा गांधी को फादर ऑफ द नेशन बोली कहा जाए, तापरे जवाहरलाल नेहरू, तबे जवाहरलाल नेहरू को कहा जाए पंडित जवाहरलाल नेहरू, एवं से होती इंडिया फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। ओके, आउ कहा जाए पंडित जवाहरलाल नेहरू। और तापर देखु सरदार वल्लभ भाई पटेल, तबे सरदार वल्लभ भाई पटेल को कौन कहा जाए, तो मन रखत सरदार वल्लभ भाई पटेल को
लौह मानव बोली कह जाए लौह मानव बा आयरन मैन तबे लौह मानव बा आयरन मैन कह जाए सरदार वल्लभ भाई पटेल को आउ जवाहरलाल नेहरू को कह जाए पंडित जवाहरलाल नेहरू आउ महात्मा गांधी को कह जाए फादर ऑफ द नेशन। तो एठारे फादर ऑफ द नेशन कह जाए महात्मा गांधी। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पॉपुलर सोशल नेटवर्किंग साइट ऑन द इंटरनेट। तो एठारे कौन कहला तो इंटरनेट रे सबुठारु पॉपुलर सोशल नेटवर्किंग साइट टी कोटा तो यार करेक्ट आंसर टी हो जबो ऑप्शन सी फेसबुक। ओके तो फेसबुक हेउची सबुठारु पॉपुलर सोशल नेटवर्किंग साइट। ओके तो यह सबुठारु अधिक लोक माने यूज करथंती। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हु इज द रियल फाउंडर ऑफ फेसबुक। तबे फेसबुक रो रियल फाउंडर किए तो यार करेक्ट आंसर टी हो जबो ऑप्शन ए मार्क जुकरबर्ग। ओके तो मार्क जुकरबर्ग होती फेसबुक रो रियल फाउंडर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ईयर फेसबुक वाज इन्वेंटेड। तबे क्यों वर्ष फेसबुक को इन्वेंट बा आविष्कार करा जायतिला तो यार करेक्ट आंसर टी हो जबो ऑप्शन ए 4 February 2004। ओके तो 4 February 2004 रे फेसबुक को इन्वेंट करा जायतिला। ओके आ यहा को आविष्कार करथिले मार्क जुकरबर्ग। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इन व्हिच ईयर व्हाट्सएप वाज एक्वायर्ड बाय फेसबुक। तबे क्यों वर्ष व्हाट्सएप टी फेसबुक तो व्हाट्सएप को फेसबुक एक्वायर करथिला। ओके तो यार करेक्ट आंसर टी हो जबो ऑप्शन बी 2014। ओके तो 2014 रे व्हाट्सएप फेसबुक सहित मिसी जायथिला। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ इंडिया ऑन सोशल मीडिया। तबे इंडिया रो केते परसेंट जो माने की सोशल मीडिया यूज करथांती तो यार करेक्ट आंसर टी हो जबो ऑप्शन बी 70%। ओके तो 70% इंडियन जो माने की सोशल मीडिया रे अछंती। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हु इज द ओनर ऑफ अमेज़न। तो अमेज़न रा ओनर किए तो यार करेक्ट आंसर टी हो जबो ऑप्शन बी जेफ बेजोस। ओके तो जेफ बेजोस होती अमेज़न रा ओनर बा मालिक। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हु इज द को फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। तबे माइक्रोसॉफ्ट रा को फाउंडर किए तो यार करेक्ट आंसर टी हो जबो ऑप्शन ए बिल गेट्स। ओके तो बिल गेट्स होती माइक्रोसॉफ्ट रा को फाउंडर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हु इज और आर द फाउंडर ऑफ यूट्यूब। तबे यूट्यूब रो फाउंडर किए तो यार करेक्ट आंसर टी हो जबो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबोव। तबे यूट्यूब रो फाउंडर स्टीव चेन चाद होरली एंड जायद करीम। ओके तो स्टीव चेन चाद होरली एवं जायद करीम एम माने तीन जने होचंती यूट्यूब रो फाउंडर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन द मेकानिजम टू प्रोटेक्ट प्राइवेट नेटवर्क फ्रॉम आउटसाइड अटैक इज कॉल्ड। तो क्यों मेकानिजम जहाँ कि प्राइवेट नेटवर्क को आउटसाइड अटैक रू प्रोटेक्ट करी थाए। ऑप्शन वन रे दी एंटीवायरस, ऑप्शन टू रे दी फायरवॉल, ऑप्शन थ्री रे दी सर्च इंजिन, ऑप्शन फोर रे दी साइबर क्राइम। तो एठारे करेक्ट आंसर टी हो जबो ऑप्शन टू फायरवॉल। तो फायरवॉल जहाँ कि आउटसाइड अटैक रू प्रोटेक्ट करी थाए। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन परमानेंट मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर इज नोन एज। तो कंप्यूटर रा परमानेंट मेमोरी कहाँ को कहा जाए ऑप्शन ए रे दी रैम,
ଅପସନ୍ ଟୁରେ ଦେଇଛି ସି ଡି ରମ୍, ଅପସନ୍ ଥ୍ରୀରେ ଦେଇଛି ରମ୍, ଅପସନ୍ ଫୋର୍ରେ ଦେଇଛି ସି ପି ୟୁ। ତ ଏଠାରେ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ଟି ହୋଇଯିବ ରମ୍। ତେବେ ରମ୍ ହେଉଛି କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ଗୋଟେ ପରମାନେଣ୍ଟ ମେମୋରି। ତ ରମ୍ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମଟି ହେଉଛି ରିଡ୍ ଓନ୍ଲି ମେମୋରି। ଓକେ, ରମ୍ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମଟି ହେଉଛି ରିଡ୍ ଓନ୍ଲି ମେମୋରି, ଆଉ ଏହା ହେଉଛି କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ପରମାନେଣ୍ଟ ମେମୋରି। ଆଉ ରାମ୍, ରାମ୍ ହେଉଛି ରାଣ୍ଡମ୍ ଆକ୍ସେସ୍ ମେମୋରି। ଓକେ, ରାମ୍ ହେଉଛି ରାଣ୍ଡମ୍ ଆକ୍ସେସ୍ ମେମୋରି। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଇନ୍ ଏଚ୍ ଟି ଟି ପି ଏସ୍ ଦ ଲେଟର୍ ଏସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଫର୍। ତ ଏଚ୍ ଟି ପି ପି ଏସ୍ରେ ଏସ୍ ଟି କେଉଁଥିପାଇଁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହେଉଛି? ଅପସନ୍ ୱାନ୍ରେ ଦେଇଛି ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼, ଅପସନ୍ ଟୁରେ ଦେଇଛି ସେକ୍ୟୁର୍, ଅପସନ୍ ଥ୍ରୀରେ ଦେଇଛି ସିମ୍ପଲ୍, ଅପସନ୍ ଫୋର୍ରେ ଦେଇଛି ସ୍ମାର୍ଟ। ତ ଏଚ୍ ଟି ପି ପି ଏସ୍ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମଟି କ'ଣ? ତେବେ ଏଚ୍ ଟି ପି ପି ଏସ୍ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମଟି ହେଉଛି ହାଇପର୍ ଟେକ୍ସଟ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍। ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଇନ୍ ସେକ୍ୟୁର। ତ ଏଚ୍ ଟି ପି ପି ଏସ୍ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମଟି ହେଉଛି ହାଇପର୍ ଟେକ୍ସଟ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଇନ୍ ସେକ୍ୟୁର। ତ ଏସ୍ ଟି ସେକ୍ୟୁର ପାଇଁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହୋଇଛି। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ହ୍ୱିଚ୍ ଏମଙ୍ଗ୍ ଦ ଫଲୋଇଙ୍ଗ୍ ମେମୋରି ଇଜ୍ ୟୁଜ୍ ଇନ୍ ଡିଜିଟାଲ୍ କ୍ୟାମେରା। ତ ଡିଜିଟାଲ୍ କ୍ୟାମେରାରେ କେଉଁ ମେମୋରିଟି ୟୁଜ୍ ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ୱାନ୍ରେ ଦେଇଛି ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ମେମୋରି, ଅପସନ୍ ଟୁରେ ଦେଇଛି ଫ୍ଲାସ୍ ମେମୋରି, ଅପସନ୍ ଥ୍ରୀରେ ଦେଇଛି ମେନ୍ ମେମୋରି, ଅପସନ୍ ଫୋର୍ରେ ଦେଇଛି କ୍ୟାସ୍ ମେମୋରି। ତ ଏଠାରେ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ଟି ହୋଇଯିବ ଫ୍ଲାସ୍ ମେମୋରି। ତ ଡିଜିଟାଲ୍ କ୍ୟାମେରାରେ ଫ୍ଲାସ୍ ମେମୋରିଟି ରହିଥାଏ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଏଲ୍ ସି ଡି ସ୍କାନର୍ସ ଆଣ୍ଡ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟର୍ସ ଆର୍ ଡିଭାଇସ୍। ତ ଏଲ୍ ସି ଡି ସ୍କାନର୍ ଏବଂ ପ୍ରିଣ୍ଟର୍ ହେଉଛି କେଉଁ ପ୍ରକାର ଡିଭାଇସ୍? ଅପସନ୍ ୱାନ୍ରେ ଦେଇଛି ହାର୍ଡ଼ୱେର୍, ଅପସନ୍ ଟୁରେ ଦେଇଛି ସଫ୍ଟୱେର୍, ଅପସନ୍ ଥ୍ରୀରେ ଦେଇଛି ହ୍ୟୁମେନ୍ ୱେର୍, ଅପସନ୍ ଫୋର୍ରେ ଦେଇଛି ଫାର୍ମ ୱେର୍। ତ ତା ପୂର୍ବରୁ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ହାର୍ଡ଼ୱେର୍ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ତ ହାର୍ଡ଼ୱେର୍ ହେଉଛି କମ୍ପ୍ୟୁଟର୍ର ଯେଉଁ ଅଂଶ ଯାହାକୁ କି ଆମେ ଟଚ୍ କରିପାରୁ ବା ଛୁଇଁପାରୁ, ତ ତାହା ହେଉଛି ହାର୍ଡ଼ୱେର୍। ତ ଏଲ୍ ସି ଡି ସ୍କାନର୍ ପ୍ରିଣ୍ଟର୍, ତ ଏହାଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଛୁଇଁପାରିଥାଉ, ତେଣୁ ଏହା ହୋଇଯିବ ଗୋଟେ ହାର୍ଡ଼ୱେର୍ ଡିଭାଇସ୍। ତ ଏଠାରେ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ଟି ହୋଇଯିବ ଅପସନ୍ ୱାନ୍, ହାର୍ଡ଼ୱେର୍। ଆଉ ସଫ୍ଟୱେର୍ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ତ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଯାହାକି ଆମେ ଛୁଇଁପାରୁନାହିଁ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଦେଖିପାରିଥାଉ, ତ ତାହା ହେଇଯିବ ସଫ୍ଟୱେର୍। ଓକେ, ତ ଇମେଲ୍, ବ୍ରାଉଜର୍, ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସଫ୍ଟୱେର୍। ଏହାକୁ ଆମେ ଛୁଇଁପାରୁନାହୁଁ କିନ୍ତୁ ଦେଖିପାରିଥାଉ, ତେଣୁ ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସଫ୍ଟୱେର୍। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଡସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଫର୍। ଅପସନ୍ ୱାନ୍ରେ ଦେଇଛି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍, ଅପସନ୍ ଟୁରେ ଦେଇଛି ଡାଇରେକ୍ଟ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍, ଅପସନ୍ ଥ୍ରୀରେ ଦେଇଛି ଡିସ୍କ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍, ଅପସନ୍ ଫୋର୍ରେ ଦେଇଛି ଡିଜିଟାଲ୍ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍। ତ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ଟି ହୋଇଯିବ ଡିସ୍କ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍। ତ ଡସ୍ ମାନେ ହେଉଛି ଡିସ୍କ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍। ଓକେ, ବିଶେଷଣ ପଦଟି ବିଶେଷ୍ୟ ପଦର କେଉଁଠାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ? ତ ବିଶେଷଣ ପଦ ବିଶେଷ୍ୟର କେଉଁ କେଉଁଠାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ? ଅପସନ୍ ଏରେ ଦେଇଛି ବିଶେଷ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ, ଅପସନ୍ ବିରେ ଦେଇଛି ବିଶେଷ୍ୟ ପରେ, ଅପସନ୍ ସିରେ ଦେଇଛି ବିଶେଷ୍ୟର ମଝିରେ, ଅପସନ୍ ଡିରେ ଦେଇଛି ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ଠିକ୍। ତ ଏଠାରେ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ଟି ହୋଇଯିବ ଅପସନ୍ ଡି, ବିଶେଷଣ ପଦଟି
विशेष्यर पूर्वरु आउ विशेष्यर परे व्यवहृत होइथे। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, जेउ विशेषण पद विशेष्य पदर पूर्वरु व्यवहृत हुए ताहाकु कोण कहाजाए? तो जेउ विशेषण पद विशेष्य पदर पूर्वरु व्यवहृत हुए ताहाकु कोण कहाजाए? ऑप्शन ए रे दिछि विधेय विशेषण, ऑप्शन बी रे दिछि विशेषणर विशेषण, ऑप्शन सी रे दिछि विशेष्यर विशेषण, ऑप्शन डी रे दिछि कोणसीटी नुहे। तो एठारे करेक्ट आंसर टी होजबो विशेष्यर विशेषण। ओके तो जो विशेषण पद विशेष्य पदर पूर्वरु व्यवहृत हुए ताहाकु विशेष्यर विशेषण बोली कहाजाए। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, जो विशेषण पद विशेष्य पद पर व्यवहृत हुए ताहाकु कोण कहाजाए? तो जो विशेषण पद विशेष्य पदर पर व्यवहृत हुए ताहाकु कोण कहाजाए? ऑप्शन ए रे दिछि विधेय विशेषण, ऑप्शन बी रे दिछि विशेष्यर विशेषण, ऑप्शन सी रे दिछि विशेषण र विशेष्य, ऑप्शन डी रे दिछि कोणसीटी नुहे। तो एठारे करेक्ट आंसर टी होइ जबो विधेय विशेषण। ओके जो विशेषण पद विशेष्य पद पर व्यवहृत हुए ताहाकु विधेय विशेषण बोली कहाजाए। फॉर एग्जांपल देखंतु रास्ता निर्जन, ओके तो ये रास्तार परे निर्जन शब्दटी व्यवहृत होइछि। बल्लरी प्रतिशब्द, तेब बल्लरी प्रतिशब्द कोटा? बल्लरी माने होउछि लतिका बा लता, ऑप्शन ए रे दिछि लता, ऑप्शन बी रे दिछि वृक्ष, ऑप्शन सी रे दिछि नदी, ऑप्शन डी रे दिछि गृह। तेब गृहर प्रतिशब्द होइछि घर, आ नदी जहाँकि नईर प्रतिशब्द, आ वृक्ष होइछि गछर प्रतिशब्द। तो बल्लरी प्रतिशब्द होइछि लता। ओके तो बल्लरी प्रतिशब्द होइछि लता। नेक्स्ट क्वेश्चन, जामिनी प्रतिशब्द, तबे जामिनी माने होछि राती, राती को जामिनी बोली कहाजाए। तबे एहार प्रतिशब्द कोटा? ऑप्शन ए रे दिछि दिन, ऑप्शन बी रे दिछि मध्याह्न, ऑप्शन सी रे दिछि सकाल, ऑप्शन डी रे दिछि रात्रि। तो एठारे करेक्ट आंसर टी होजबो रात्रि। तबे रात्रि होछि जामिनी प्रतिशब्द। तबे रात्रि बा जामिनी क्यों क्यों प्रतिशब्द रहिछि जानि रखंतु निशा, निसी, राती, रजनी। तबे सबु हेउची जामिनी रा प्रतिशब्द। ओके तो निसा, निसी, राती, रजनी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, शत्रु रा प्रतिशब्द, तबे शत्रु रा प्रतिशब्द कोटा? ऑप्शन ए रे दिछि अहि, ऑप्शन बी रे दिछि मित्र, ऑप्शन सी रे दिछि सखा, ऑप्शन डी रे दिछि अरी। तो अहि माने हेउछि साप, साप को अहि बोली कहा जाए, आउ मित्र जहाँकि सांग, सखा मध्य सांग को कहा जाए। तो एठारे शत्रु रा प्रतिशब्द होइबो अरी, तबे अरी माने हेउछि शत्रु। ओके तो शत्रु रा केउ केउ प्रतिशब्द रहिछि जानि रखंतु अरी, बैरी इत्यादि होछि शत्रु रा प्रतिशब्द। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, संध्यार प्रतिशब्द, तबे संध्यार प्रतिशब्द कोटा? ऑप्शन ए रे दिछि प्रत्युष, ऑप्शन बी रे दिछि प्रोदश, ऑप्शन सी रे दिछि मध्याह्न, ऑप्शन डी रे दिछि सकाल। तबे प्रत्युष माने होछि सकाल, सकाल को प्रत्युष कहाजाए, और प्रोदश माने होछि संध्या। तो एठारे संध्यार प्रतिशब्द होइबो प्रोदश। ओके तो संध्यार आउ केउ केउ प्रतिशब्द रहिछि जानि रखंतु सायंकाल, सायं, निशामुख, ये सब होउछि संध्यार प्रतिशब्द। तेबे सायं, सायंकाल,
निशामुख आदि होची संध्यार प्रतिशब्द। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंदनर प्रतिशब्द, तबे नंदन माने होची पुओ, तो यार प्रतिशब्द कौटा? ऑप्शन ए रे दीची पुत्र, ऑप्शन बी रे दीची आत्मज, ऑप्शन सी रे दीची झियो, ऑप्शन डी रे दीची कन्या। तो आत्मजा झियो एवं कन्या यह झियो को ही बुझाई था, तो यह झियोर प्रतिशब्द। तबे नंदन व पुअर प्रतिशब्द हो जीवो ऑप्शन ए पुत्र। ओके तो नंदनर प्रतिशब्द हो जी पुओ। तबे नंदनर आउ क्यों क्यों प्रतिशब्द रही जानि रखंतु पुओ सुत कुमार तनय। तबे पुओ सुत कुमार तनय इत्यादि हो नंदन बा पुत्रर प्रतिशब्द। ओके अमृत अमृतर विपरीत शब्द, तो अमृतर विपरीत शब्द कौटा? ऑप्शन ए रे दीची नमृत, ऑप्शन बी रे दीची जीवंत, ऑप्शन सी रे दीची विष, ऑप्शन डी रे दीची मृत। तो अमृतर विपरीत शब्दटी हो विष। ओके तो अमृतर विपरीत शब्द हो विष। ओके तो सहीपर जीवंत, तो ये जीवंतर विपरीत शब्दटी हो मृत, जीवंत मृत। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन तिक्तर विपरीत शब्द, तो तिक्तर विपरीत शब्द कौटा? तिक्त माने होची पीता, तो यार विपरीत शब्द कौटा हेबो? ऑप्शन ए रे देछी विधुर, ऑप्शन बी रे देछी खटा, ऑप्शन सी रे देछी मीठा, ऑप्शन डी रे देछी मधुर। तो तिक्तर विपरीत शब्दटी हो मधुर। ओके तो तिक्त मधुर, तो सहीपर खटार विपरीत शब्दटी हो मीठा, खटा मीठा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रर विपरीत शब्द, तो मित्र माने हूँ बंधु, तो यार विपरीत शब्द कौटा हेबो? ऑप्शन ए रे दीची अमित्र, ऑप्शन बी रे दीची सखा, ऑप्शन सी रे दीची शत्रु, ऑप्शन डी रे दीची अशत्रु। तो मित्रर विपरीत शब्दटी हो शत्रु, मित्र शत्रु। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन गतर विपरीत शब्द, तो गतर विपरीत शब्द कौटा? ऑप्शन ए रे दीची अतीत, ऑप्शन बी रे दीची विगत, ऑप्शन सी रे दीची अनागत, ऑप्शन डी रे दीची आगत। तो गत माने होची जहाँ हे जाइछि। ओके तो गतर विपरीत शब्दटी हो आगत, गत आगत। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आशार विपरीत शब्द, तो आशार विपरीत शब्द कौटा? ऑप्शन ए रे दीची नियासा, ऑप्शन बी रे दीची नियास्रा, ऑप्शन सी रे दीची निराशा, ऑप्शन डी रे दीची निराश। तो आशार विपरीत शब्दटी हो निराशा, आशा निराशा। ओके द सम ऑफ टू नंबर इज 75 एंड देयर डिफरेंस इज 25, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। तो एठारे कौन कहला? तो दुईटी संख्यार जोगफल होची 75, सम माने होची जोगफल, आउ डिफरेंस माने वियोग। तो दुईटी संख्यार जोगफल होची 75 एवं सेमानंकर वियोगफल होची 25, तेबे से संख्या दुईटी मध्यरु लार्जेस्ट नंबर टी केउटी, माने बड़ संख्या टी केउटी? तो चलंतु एहाको सॉल्व करबा। एठारे आमे गोटे संख्या को ए नेबा एवं आउ गोटे संख्या को बी नेबा। ओके तो दुईटी संख्यार जोगफल ए प्लस बी, तो ए प्लस बी समान 75। ओके तापरे दुईटी संख्यार डिफरेंस माने वियोगफल समान ए माइनस बी, तो ए माइनस बी समान केते 25। ओके तो एबे एहाकु मिसाइबा, माइनस बी एवं प्लस बी दुईटी कटिजिबो, तापरे ए प्लस
ए समान टू ए, तो टू ए समान पाँच प्लस पाँच समान टेन र जीरो, तो पर एक सेवन प्लस टू नाइन प्लस वन समान टेन, तो टू ए इक्वल टू हंड्रेड। ओके तो पर टू ए समान हंड्रेड, तो ए समान हो जीवो हंड्रेड डिवाइडेड बाय टू, यह को काटी देले हे फिफ्टी। ओके तो ए समान हो फिफ्टी, गोटे संख्या ए बाहर। ओके तपर आम जानी ए प्लस बी समान सेवेन्टी फाइव अटे, तो यठार ए के बाहरी फिफ्टी, तो फिफ्टी प्लस बी समान सेवेन्टी फाइव। ओके तो तपर एठार बी समान हो सेवेन्टी फाइव माइनस फिफ्टी, तो यठार फिफ्टी ए सैड को आसीगला पर माइनस हो गला। ओके तो सेवेन्टी फाइव माइनस फिफ्टी समान हो फाइव ट्वेंटी फाइव। ओके बी समान हो ट्वेंटी फाइव आउ ए होता फिफ्टी, तो यठार लार्जेस्ट नंबर टी हूँ फिफ्टी, तो यठार करेक्ट आंसर टी ऑप्शन सी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, जीरो पॉइंट सिक्स थ्री बार प्लस जीरो पॉइंट थ्री सेवेन बार प्लस जीरो पॉइंट एट जीरो बार, तो ये संख्या रे जो बार चिन्ह दि जाइए तार अर्थ कौन, तो यह क्यों दि जाइए, तो मन रखु जदि गोटे संख्या को आम भाग करूँ आउ तार भागफल जदि रिपीट हो कि आसी थाए तो से ही संख्या उपर बार दि जाए। ओके तो चलतु यह सल्व करवा, तो यठार आम संख्या गुड़िकर जोगफल बाहर करवा। ओके तो जीरो पॉइंट सिक्स थ्री मान हो जाकि सिक्स थ्री रिपीट होकर आस, तो यह लिखा आम जीरो पॉइंट सिक्स थ्री सिक्स थ्री सिक्स थ्री सिक्स थ्री। ओके तो सेपरि जीरो पॉइंट थ्री सेवेन हो जीरो पॉइंट थ्री सेवेन थ्री सेवेन थ्री सेवेन थ्री सेवेन। ओके कारण जो संख्या उपर बार दि जाइए तो ताहा रिपीट होकर आस, तो यठार सिक्स थ्री संगे बार दि जाइए, तो सिक्स थ्री थ्री रिपीट होपरि थ्री सेवेन उपर मध्य बार दि जाइए, तो यह मध्य रिपीट हो। ओके तो सेपरि जीरो पॉइंट एट जीरो टी हो जीरो पॉइंट एट जीरो एट जीरो एट जीरो एट जीरो। ओके तो एबे यहाँ को आमे मिसाइबा, तो थ्री प्लस सेवेन इक्वल टू टेन, टेन रो जीरो लिखा एक रहिला, तापर सिक्स प्लस थ्री इक्वल टू नाइन, तापर एट मिसिले सेवेन्टीन, सेवेन्टीन सहित वन मिसिले एटीन, एटीन रो एट लिखा तापर एक रहिला, थ्री प्लस सेवेन इक्वल टू टेन आर वन मिसिले इलेवेन, इलेवेन रो वन आउ रहिला वन, तापर सिक्स प्लस थ्री प्लस एट समान सेवेन्टीन आउ वन मिसिले एटीन, एटीन रो एट तापर एक रहिला, थ्री प्लस सेवेन, थ्री प्लस सेवेन समान टेन, टेन आउ वन मिसिले इलेवेन, इलेवेन रो वन तापर आउ वन रहिला, तापर सिक्स प्लस थ्री प्लस एट समान सेवेन्टीन, सेवेन्टीन आउ वन मिसिले एटीन, एटीन रो एट तापर वन रहिला, सिक्स प्लस थ्री समान टेन, टेन आउ वन मिसिले इलेवेन, इलेवेन रो वन तापर रहिला एक, तापर सिक्स प्लस थ्री प्लस एट समान सेवेन्टीन, सेवेन्टीन आउ वन मिसिले एटीन, एटीन रो एट तो आउ रहिला वन, तो जीरो जीरो मिसिले तो जीरो हबो आउ वन आगर रही थिला तो ता वन हो जीवो। ओके तो वन पॉइंट एट वन एट वन एट वन एट जीरो, तो यह हूँ आंसर। ओके तो एट जीरो को छाड़ी दिंतु, तापर एट वन एट वन एट वन यह रिपीट होकर आस, तो एट वन उपरे वन पॉइंट एट वन उपरे बार लगे, तो यठार करेक्ट आंसर टी ऑप्शन डी वन पॉइंट एट वन बार। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, वन डिवाइडेड बाय वन पॉइंट फोर
प्लस वन डिवाइडेड बाय 4.7 प्लस वन डिवाइडेड बाय 7.10 प्लस वन डिवाइडेड बाय 10.13 प्लस वन डिवाइडेड बाय 13 प्लस 16 इक्वल टू कितने। तो एठारे जो पॉइंट दिया जाइछि तो यार मीन्स होउछि यहाँ इंटू ओके। तो एठारे वन डिवाइडेड बाय वन इंटू फोर हेबो तापरे वन डिवाइडेड बाय 4 × 7 ओके। तो यही परि सब संख्या हेबो। तो यहाँ को सॉल्व करिवार शॉर्ट ट्रिक टी होउछि तो ये दुईटी संख्या मध्यरे जो डिफरेंस रहिछि ताहा बाहर करिबा प्रथमे। तो ये दुईटी संख्यार डिफरेंस हो जिवो 4 − 1 = 3। तो एठारे मध्य डिफरेंस रहिछि 3 7 − 4 = 3 हेबो। तो एठारे डिफरेंस होउछि 3 ओके। तो एहा को सॉल्व करिवार फार्मूला होउछि फर्स्ट संख्या माइनस लास्ट संख्या इंटू वन डिवाइडेड बाय तार डिफरेंस ओके। तो एठारे फर्स्ट संख्या केते हेबो चलंतु बाहर करबा। तो वन डिवाइडेड बाय 1.4 तो एहा को आमे 1/1 × 1/4 मध्ये लिखि परबा। तो एठारे फर्स्ट संख्या होची 1/1 ओके। आउ लास्ट संख्या होची एटा तो 1/13.16 तो एहा को आमे 1/13 × 16 मध्ये लिखि परबा। तो एठारे लास्ट संख्या टी होची 1/16 ओके। तो फर्स्ट संख्या होची 1/1 आउ लास्ट संख्या टी होची 1/16। तो एबे एहा को सॉल्व करबा ओके। तो एठारे फर्स्ट संख्या टी होतिला 1/1 तपरे माइनस 1/16। तो यह सूत्र थिला प्रथम संख्या माइनस लास्ट संख्या इंटू तार डिफरेंस 1/3। तो एठारे प्रथमे आमे बंधनी रो करिबा। तो ए दुईटी को वियोग करिबा। तो प्रथमे ए दुईटी संख्यार लसागु बाहर करिबा 16 आउ 1 रो लसागु हो जइबो 16 ओके। तपरे 16 आउ 1 16 माइनस 1 ओके इंटू 1/3 तो यह हो जइबो 15/16 इंटू 1/3 तो 3 आउ 15 कटि जइबो 3 × 5 = 15 ओके। 3 × 5 = 15 ओके। तो एठारे हो जइबो 5/16 ओके। तो 5/16 हो जइबो एठारे करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन बी हो जइबो एठारे करेक्ट आंसर ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट लिस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 41। तो 5 डिजिट नंबर तो सबुठारु सान 5 डिजिट नंबर जहाँ कि 41 द्वारा डिवाइड होतिबो ओके। तो 5 डिजिट नंबर सबुठारु सान 5 डिजिट नंबर होची 1 × 40 ओके। तो यह होची 5 डिजिट नंबर किंतु एहा 41 द्वारा डिवाइड होइ न थाए। तो एहा परे क्यों 5 डिजिट नंबर अछि ताहा हमें बाहर करबा। तो एहा को बाहर करबा पई प्रथमे हमें एहा को 40 द्वारा हरण करबा ओके। तो यह को हरण कले हेबो 40 × 2 = 80 तो 0 0 कटि जइबो परे 10 − 8 = 2 तपरे 0 आनिबा ओके। तो 40 × 5 = 200 तो 200 200 कटि गला तपरे 0 40 0 0 ओके। तो एठारे भागफल हो गला 250। तो ये भागफल को आमे एबे 41 द्वारा डिवाइड करबा ओके। तो 41 / 250 तो एठारे भागफल होइतिला 250 तो एबे यहाँ को आमे डिवाइड करबा। आ जो संख्या भागशेष बाहरिबो तो ताकु आमे 5 डिजिट नंबर संगरे प्लस करिदबा ओके। आ सेही संख्याटी होइबो
41 द्वारा विभाज्य होता संख्या। ओके तो 41 आउ 250 को भाग कले हम 41 टू 6 समान 246। तो 10 रु 6 ले 4 हो जब तो 4 0 0। ओके तो यार भाग शेष होला 4। तो ये भाग शेष को आम ए सबुठ सान 5 डिजिट नंबर सहित प्लस करवा। तो सबुठ 5 डिजिट नंबर हो 1 रे 40। ओके तो प्लस 4 करवा। ओके तो 4 0 0 0 1। तो यह करेक्ट आंसर। तो यह 41 द्वारा डिवाइडेड हेबो। ओके एवं यह लिस्ट 5 डिजिट नंबर। ओके तो यार करेक्ट आंसर टी होजबो ऑप्शन बी। ओके इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 80% ऑफ इट सेलिंग प्राइस द प्रॉफिट परसेंटेज डैश। तो यार कौन कहला तो गोटे जिनसर कॉस्ट प्राइस रोचे तार सेलिंग प्राइस रो 80%। तो यार प्रॉफिट केते माने गोटे जिनसर कॉस्ट प्राइस तार सेलिंग प्राइस रो 80% रोचे। ओके तो यार केते प्रॉफिट बा लाभ हो छि तो 80% को हमें 80/100 लिखि परबा। तो यह को सिंप्लीफाई कले हेबो 4/5। ओके तो ये 80% जहाँ कि कॉस्ट प्राइस तो कॉस्ट प्राइस हला 4 और सेलिंग प्राइस हो 5। ओके तो यार प्रॉफिट केते हेबो 5 - 4 = 1। तो यार प्रॉफिट हो 1। तो प्रॉफिट परसेंट हो जिबो प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस थिला 4 × 100। ओके तो 4 × 1 = 4 = 25 = 100। तो 25%। ओके तो यार करेक्ट आंसर टी हो जिबो ऑप्शन डी। ओके तो गोटे जिनिसर कॉस्ट प्राइस तार सेलिंग प्राइस रो 80% रहुचि तो यार प्रॉफिट हो जिबो 25%। ओके तो यह क्वेश्चन को आम आउ गोटे मेथड रे मध्य सॉल्व करी परबा। ओके तो यार कॉस्ट प्राइस देछि सेलिंग प्राइस रो 80%। ओके तो यार जदि आम सेलिंग प्राइस को 100% नबा तो कॉस्ट प्राइस तार 80%। तो 100 रो 80% केते हेबो तो 80। ओके तो 100 रो 80% हो 80। तो यार 80 हो कॉस्ट प्राइस। ओके और सेलिंग प्राइस हो 100। ओके तो यार प्रॉफिट हो 100 - 80 = 20। ओके तो प्रॉफिट हो 20। तो प्रॉफिट परसेंट समान हो प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। ओके तो 20 × 20 = 80। तापरे 4 × 4 = 25 = 100। तो यार करेक्ट आंसर टी हो 25%। ओके तो यार ऑप्शन डी हूँ करेक्ट आंसर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन व्हेन ए कमोडिटी इज सोल्ड फॉर RS 34.80 देयर इज ए लॉस ऑफ 25%। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ओके तो गोटे कमोडिटी रो तो गोटे कमोडिटी को 34.80 रे बिक्री करा जाय थिला। ओके तो सेतिर ताकू 25% लॉस होईची तबे सेही जिनिसर क्रय मूल्य टी केते। तो कमोडिटी रा विक्रय मूल्य हो 34.80 और लॉस हो 25%। तो यार क्रय मूल्य टी केते हेबो। ओके तो सेलिंग प्राइस हो 34.80। ओके और लॉस 25%। तो यही 25% हो 25/100। ओके तो यह को सिंप्लीफाई कले हेबो 25 × 25 = 100। ओके तो यही 1 हो लॉस और यही 4 हो कॉस्ट प्राइस। ओके तो यही 4 × 1 = लॉस हो। ओके तो इतनी बुझेगा तो तापर देखते लॉस हो 1 और कॉस्ट प्राइस
फोर तो सेलिंग प्राइस हो जाए फोर माइनस वन इक्वल टू थ्री। ओके तो सेलिंग प्राइस हो थ्री। ओके आ कॉस्ट प्राइस फोर आ लॉस वन तो यठार सेलिंग प्राइस हो थ्री यूनिट। ओके तो थ्री यूनिट रो वैल्यू देछि 34.80। ओके तो वन यूनिट रो वैल्यू हो 34.80 डिवाइडेड बाय थ्री। ओके तापर कॉस्ट प्राइस जहाँ कि फोर यूनिट तो फोर यूनिट रो वैल्यू हो 34.80 डिवाइडेड बाय थ्री इंटू फोर। ओके तो यह सिंप्लीफाई कले हेबो 46.40। ओके तो यह होची सही जिनिसर कॉस्ट प्राइस तो यार करेक्ट आंसर टी हो ऑप्शन ए 46.40। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन द कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 आर्टिकल्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 20 ऑफ देम द गेन और लॉस परसेंटेज गिवन बाय डैश। ओके तो यह गोटे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन टाइप रो क्वेश्चन एग्जाम बेसी देखा मिली था तेणु यह भल भाव बुझंतु। ओके तो 25 जिनिसर क्रय मूल्य जिते टाँचा तो 20 जिनिसर बिक्री मूल्य सेते टाँचा। ओके तो 25 आर्टिकल कॉस्ट प्राइस समान 20 आर्टिकल सेलिंग प्राइस। ओके तो 25 आर्टिकल कॉस्ट प्राइस जिते 20 आर्टिकल सेलिंग प्राइस सेते। ओके तो यठार सीपी डिवाइडेड बाय एसपी समान हो 20 डिवाइडेड बाय 25। ओके तो यह काटिदेले हे 4 × 5 = 20 और 5 × 5 = 25। ओके तो 4/5 तो सीपी हो गला 4 और एसपी हो गला 5। ओके तो कॉस्ट प्राइस समान 4 और सेलिंग प्राइस समान 5 तो यठार कॉस्ट प्राइस ठारू सेलिंग प्राइस अधिक रोचे तर माने यठार लाभ हो। ओके तो यठार प्रॉफिट हो समान 5 − 4 = 1। ओके तो यठार प्रॉफिट हो 1। ओके तो प्रॉफिट परसेंट समान हो प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस समान 4 × 100। ओके तो यह काटिदेले हे 4 × 4 = 25 तो यठार करेक्ट आंसर टी हो 25% गेन। ओके तो यठार 25% लाभ हो। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन द कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल्स इज सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स आर्टिकल्स इफ द प्रॉफिट इज 25% देन द वैल्यू ऑफ एक्स इज डैश। तो यठार कही 20 आर्टिकल माने 20 जिनिसर कॉस्ट प्राइस जहाँ कि एक्स टी आर्टिकल सेलिंग प्राइस सहित समान। ओके तो यठार एक्स हो गोटे जिनिसर संख्या। ओके तो यठार प्रॉफिट हो 25% तो एक्स वैल्यू केते। ओके तो 20 आर्टिकल कॉस्ट प्राइस जिते एक्स टी आर्टिकल सेलिंग प्राइस सेते। ओके आठ प्रॉफिट हो 25%। ओके तो 20 सीपी समान एक्स एसपी। ओके तो 20 कॉस्ट प्राइस इक्वल टू एक्स टी सेलिंग प्राइस। ओके तो पर सीपी डिवाइडेड बाय एसपी हो एक्स डिवाइडेड बाय 20। ओके तो यठार सीपी हो एक्स एवं कॉस्ट सेलिंग प्राइस हो 20। ओके तो यठार कॉस्ट प्राइस हो एक्स और सेलिंग प्राइस 20। ओके आ प्रॉफिट हो 25%। ओके तो 25% माने के 25 डिवाइडेड बाय 100
तो यह सिंप्लीफाई कले हे 25 × 25 = 100। ओके तो ये 4 हो गला कॉस्ट प्राइस आ 1 हो प्रॉफिट। ओके तो यठार कॉस्ट प्राइस हो 4 आ प्रॉफिट हो 1। ओके तो 4 टंकर 1 टंकर प्रॉफिट हो तो सेलिंग प्राइस केते हे तो यठार सेलिंग प्राइस हो कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। तो कॉस्ट प्राइस हो 4 और प्रॉफिट 1 समान 5। ओके तो सेलिंग प्राइस हो 5 यूनिट तो 5 यूनिट रो वैल्यू हमें केते पाई 20। ओके तो 5 यूनिट रो वैल्यू हो 20 तो 1 यूनिट रो वैल्यू हो 20 डिवाइडेड बाय 5 यह को सिंप्लीफाई करले हबो 4। ओके तो 1 यूनिट रो वैल्यू हो 4 तो एक्स को हमें सीपी नहीं थिले तो सीपी हुई थिला 4 यूनिट तो 4 यूनिट रो वैल्यू हो 4 × 4 = 16। ओके तो एक्स रो वैल्यू हो 16 तो यठार करेक्ट आंसर टी हो ऑप्शन बी। ओके